इस तो पहला GST ना संबंधित बिल लगभग सर्वसम्मति ना पास होया, क्योंकि उस बिल का पंजाब के खजाने नाल बड़ा गूढ़ा संबंध है। जिस तरह मंत्री जी ने कहा कि पहला वारियां जिहड़ियां कमियां रह गईयां हुण पिछे ना देखिए हुण अगे वधीए, तां असीं उहनां नूं कमियां नूं पूरा करके असीं कोशिश कर रहे हां। इस बार साडा खजाना जिहड़ा उहदे च GST दा ग्रीन दे विच असीं हैगे हां कि असीं पिछली बार नालों बहुत ज़्यादा GST जिहड़ी है उहदे च वाधा होया, हालांकि सेंटर वल्लों जिहड़ी रियायत दित्ती जांदी सी उह बंद हो गई। सो मैं धन्नवाद करदा सारे मैंबरां दा कि भावें उह इस साइड ते ने भावें इस साइड ते ने, कि उन्होंने सर्वसम्मति नाल बिल पास किया जो कि साडा फर्ज़ बनता है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर विरोध करना वह कोई होर गलों से कदे फिर कर लाँगे। जिहड़ा बिल हुण आ रहा फायर का, यह भी बड़ा इंपोर्टेंट बिल है जी, क्योंकि फायर सेफ्टी ते एमरजेंसी दा जिहड़ियां वह भी बहुत पुरानिया रीतां चल रही ने, पुराने रूल चल रहे ने, इतों तक कि गड्डियां भी उन्होंने कोले इहो जिहियां ने जिहड़ियां मतलब मौके पर नहीं पहुँच सकदियां, जे पहुँच गईयां तां वो गड्डियां दी रीच इन्नी है नहीं कि जिथे अग लगी हुई है, क्योंकि अजकल सकाई हाई आसमान नूं छूंदियां बिल्डिंगां बनन लग गईयां, तां उत्थे तक दी पहुँच भी जिहड़ी है वो जरूरी है। सो पिछले दिन असीं पंजाब सरकार वल्लों बहुत सारियां लेटेस्ट गड्डियां जिहड़ियां इस वक्त न्यूयॉर्क पुलिस फायर डिपार्टमेंट कोल ने, उस पद्धर दीयां गड्डियां असीं फायर डिपार्टमेंट नूं दित्तियां ने। नॉट ओनली गड्डियां छोटियां कस्बे कई बार गड्डी नहीं जाती, गलियां भीड़ियां ने तंग ने, छोटियां गड्डियां, फिर उस तो बाद भी मोटरसाइकिल भी आ गया अजकल, कि मोटरसाइकिल भी उत्ते टैंकी लगी हुई है बड़ी पानी वाली, कि इमीजिएटली पहले मोटरसाइकिल पहुँच जाए उत्थे जिथे बिल्कुल ही जिहड़े एरिए शहर के अंदर लेने। सो ये साडा फर्ज है कि अज के जमाने सेफ्टी वास्ते, क्योंकि जिंदगी की कोई कीमत नहीं होंगी, सेफ्टी वास्ते इंपोर्टेंस जी दी जाए। एक होर बड़ी अजीब जी गल हैगी है, मैंने तो बड़ी अजीब लगी वैसे, तो वह भी इस बिल के राही असी शोध कर रहे हैं। मेरे को 3-4 कुड़ियां आईया डेरा बस्सी तो सी, मैं कितने उधर फंक्शन पर गया जी, तो वह रोन लग गई, वो कहिंदियां भी असी फायर डिपार्टमेंट च नौकरी लैन वास्ते पेपर दिता सी जी, तो थ्योरी का पेपर असी क्लीयर कर लिया, साढ़े बहुत वधिया नंबर आ गया, अक्सर कुड़ियों के नंबर ज़्यादा ही आते जे आप देखिए हिस्टरी का, 10वीं चो भी कुड़ियां फस्ट, पंजाब चो 12वीं चो भी कुड़ियां फस्ट, BA चो भी MA चो भी। सो लिखती नंबर टैसट पास कर लिया, पर वो कहती सानू नौकरी नहीं मिली क्योंकि फिजिकल टैसट असी फेल हो गए। मैं क्या भी क्यों फेल हो गए? वो कहती जी पता नहीं कितों के रूल बनाए हुए हैं, पता नहीं कि बाबा आदमबिर के रूल बने हुए हैं, कि एक ही उस रूल ने कि 60 किलो की बोरी मुंडा भी जाके रखाऊगा फिर भजूगा, ऐ भजया आऊगा बोरी चकूगा 60 किलो की, उन्होंने अपने मोढ़े से रखूगा तो फिर अगे निकल जूगा, 60 किलो की बोरी कुड़ी ने चकनी है। वो कहते साढ़े ओलंपिक के रिकॉर्ड होर ने, 100 मीटर के मुंडिया के रिकॉर्ड होर ने, कुड़िया के होर ने, 400 मीटर के कुड़िया के रिकॉर्ड होर ने, मुंडिया के होर ने। सो कि साडा इदा किवें हो सकता कि असी 60 किलो की बोरी चकनी है, तो वाह ओनली 60 किलो ही, फिर यह किने लिखता जी कि जो अंदर बैठा है जो कोई अग लग गई अंदर 60 किलो भी बंदा बैठा होगा, बस जे पहले 70 का होया फिर तो मुंडा भी चक सकता जी, जे 80 का होया फिर की करोगे जी? सो कल्ली थोड़ी जाऊगी वो कुड़ी, जे कोई एमरजेंसी इदा की आँदी है तो नाल मुंडे भी जाएंगे जो स्टाफ मैंबर कुलीग मैंबर हो गए। तो यह तो मैंने लगे कि बदल देना चाहिए है, देश के कितने भी फायर ब्रिगेड के कुड़ियां नहीं है जी, इदा के रूल बना रखे ने। अजकल किहड़ा फील्ड है जिथे कुड़ियां नहीं मतलब जा सकदियां जां काम कर सकदियां ने, जां मैडल जित सकदियां ने, जां सुनीता विलियम वर्गियां अंबरां च गईयां होईयां, तां कोई इदां दा अजकल दे जमाने च इस तरह दा रूल ऐ लगदा जिवें असीं अपडेट ही नहीं होए। सो असीं उहनां दे जिहड़े नॉर्म्स ने उहनां नूं सौखे कर रहे हां, ते कुड़ियां लई 40 किलो दी बोरी दा जां वी जो भी उहनां दे टैस्ट ने, उह कुड़ियां दे मुताबिक उहनां दे जो परमात्मा ने उहनां नूं शक्ति दित्ती उहदे मुताबिक असीं नॉर्म्स कर जिहड़े ने उह बदल रहे हैं। तो पहली बार होगा सर, पंजाब पहला सूबा होगा कि जिहड़े सूबे ने अपन धीआं नूं अपन भैणां नूं फायर ब्रिगेड के नौकरियां दित्तियां ने, तो ये असं बदल लगे सर, क्योंकि पहला किसी ने देखे ही नहीं, रूल अं चली जाते हैं, धूड़ा जम गई फाइलों पर किसी ने झाड़िया ही नहीं। सो इस करके बहुत सारिया धूड़ा झाड़न वाली ने जी अजे फाइलों तो कुछ नवी नवे रूल नवी तरीके काम करने के नवे तरीके आ गए। देखो जे मैं खेती की गल करा, अजकल फसल बीजन के इको फसल बीजन के 4-4 तरीके ने जी, कोई कंप्यूटर ना बीजद, कोई सीधा बीजद डायरैक्ट, कोई पानी छड़ के बीजद,
कोई पहला पानी छड़ के रौनी करके बीजद फसल एक ही है जी, फिर उस फसल से स्प्रे करने चार चार तरीके ने जी, कोई ड्रोन राही करवा, कोई सीधी करता, कोई खाल के रख दिता तुक्का तुक्का उस जाई जाता। सर तरीके बदल गए, मार्केटिंग के तरीके बदल गए जी। हूँ थोड़ू पहले अपन जाना पैंता भी आह चीज़ मंगाइए, हूँ जो मर्जी ऑर्डर करो जी थोड़े घर आ जाता जी, भी ना ये भी नहीं घर आता, ना ये भी देख सकते हो कितने जी आता कि कितने जी पहुँच गया, हूँ आह मोड़ आ गया, हूँ आह मोड़ आ गया। सो जी इन्ना दुनिया अपडेट हो गई तो सानू सरकारां नू भी अपडेट करना पऊ। इस करके हर सरकारी जिदे नाल सरकारी लग जाए उस अदारे ते जां उस संस्था ते यकीन ही हट गया, पता कहिंदा सरकारी है तां की है, सरकारी बस चढ़ के राजी सी वो सरकारी है इहदा की पता कदों खड़ जाए, क्योंकि बड़े अपडेट कीतियां नहीं बसा, मूरला पासा कितें होर नू जांदा हुंदा, पिछले पासों इधर नू आउंदी हुंदी है, समझ नहीं आउंदी जांदी है जां आउंदी है ना। सो क्योंकि अपडेट ही नहीं कीतियां, गाने बड़े आ गई रोडवेज की लारी ना कोई बूहा ना कोई बारी, ठीक है जी। फिर सरकारी हस्पताल जाके असीं राजी नहीं, क्योंकि उत्थे उत्थे कबूतर फिरदे एम आर आई वाली मशीनां च एक्सरे वाली मशीनां च, कहिंदे यार जिंदगी दा सवाल है भाई इत्थे को जाइए। फिर कोई सरकारी मतलब होवे भी आ सरकारी फीस है आ सरकारी काम ना, नौकरी तो बिना होर कुछ सरकारी नहीं चाहिए सानू, हाँ नौकरी सरकारी चाहिए है, क्योंकि नौकरी च ना सरकार छोट ही दिंदी है गांव पीढ़ियां तक उन्होंने बच्चों तक। सो इस करके अज मैं खेतीबाड़ी गल चलती है, कल मानयोग साढ़े जाखड़ साहब ने उन्होंने डी ए पी की गल की सी, मैं उन्होंने जेडे मिनिस्टर ने जे पी नड्डा जी, मैं उन्होंने गल की फोन पर, मैं क्या भी सेंट्रल पूल के असी कणक तुहानू लगभग 120 लख मीटरिक टन दिने, तो कणक आप घट दें क्योंकि कणक अपनी खुराक है, बहुत सारी कणक घरें भी रख लें आप सारे साल वास्ते, जो अपने जोड़े सीरी सांझी ने जे अपने काम करते हैं उन्होंने भी ना कणक रख लें आप कणक घट जाते झोना, क्योंकि अपनी चावल अपनी खुराक नहीं, झोना तो 99% ही जाते। सो मैं क्या जी सेंट्रल पूल 120 लख मीटरिक टन असं सूँ देवे, तो सानू तुम हजे तक डी ए पी का अगस्त वाला कुट नहीं दिता, असं किमें बीजा जनाब। फिर तुम मेरे मैं यहाँ कहो कि मैं पी डी एस वास्ते है नहीं, मेरे को दाने हैं नहीं, इन्नी तो अभी उगा लेंगे कि साढ़े खाने योगी हैगी या बेचण योगी इन्नी तो कर लेंगे, पर तुम घटो घट अपना तो सेंटर आपका जो इंपोर्ट का कोई पंगा है तो सेंटर अपना ठीक करे, सानू तो दो ना, फिर ही असं सेंटर पूल च देवे ना। तो उन्होंने कहा मैं आपसे बुलाया, उन्होंने फोन पर होल्ड करके कहा कि ओके पंजाब का कोटा जोड़ा वो बिल्कुल पूरा होगा, तुम अपने अफसर भेजो, तो करके कैप्सना जो सा अफसर ने मैं उन्होंने उत्तर भेजा जाखड़ साहब, एक तुम भी तो चाचा जी ने भी कह दो, भी एक इंटरव्यू कह रहे थे लिटल नॉलेज इज टू डेंजरस, है ना, जरूरी नहीं होंगे कि मुख्यमंत्री जाके ही मिले नड्डा फोन पर गल होगी, तो उन्होंने कहा मैंने अफसर भेजो मेरे अफसर को मिलाओ तो थोड़ा काम हो जाएगा, साढ़े अफसर बैठे ने मैं तुम्हें दस सदा, तो उन्होंने कहा साडा कोटा जो डी ए पी का वो पूरा होगा, वो कहे सुपरफास्ट, मैं देखो सुपर जी दूजी है एस पी है वो डेढ़ बोरी लगती है, मैं कहा जी बदलता है वो, पर जो थोड़े को डी ए पी है सानू डी ए पी दो ना, सानू आदत साढ़े डी ए पी है साढ़े माइंड डी ए पी है, ठीक है ना। सो इस करके इस गल की बिल्कुल चिंता ना करो, डी ए पी बिल्कुल प्रॉपर मिलेगा, कोई डी ए पी की घाट नहीं रहेगी, बस है जी आनी आनी शुरू होगी क्योंकि इमीडिएट एक्शन हो गया। सो नंबर दो जो जिम्मे बैट तक आया इन्होंने बैट के जो ओ टी एस है वो बड़ा कामयाब रहा, असं पहले वाले ओ टी एस देखे दो ओ टी एस चन्नी सरकार ने जोड़े जारी किए कैप्टन सरकार ने भी चन्नी सरकार ने, तो दोनों ही वो फ्लॉप हो गए थे, कोई नहीं वह आया, असं कारण पूछे भी कारण की है फ्लॉप होने का, वो कहते भी आह कारण, फिर असं उदियाँ जी कमियां पूरी की 164 करोड़ रुपया ओ टी एस वैट के ओ टी एस करके, ना तो लोगों के सिरों तो व्यापारियों के सिरों तो तलवार हटी जी ओ टी एस हजे वैट की तलवार लटकी जाती थी ना तो वो हट गई, तो ना 164 करोड़ रुपया खजाने आ गया। इस तरह कई बार कुछ घटाने भी कुछ वाधे हो जाते हैं, सो इस करके जो जी एस टी वाला ओ टी एस वाला हूँ अगला भी ओ टी एस एक होर असं विचार कर रहे हैं उन्होंने वो भी करेंगे। हूँ मैं आना जी खेतीबाड़ी से, खेती की पॉलिसी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत सारे माहरों असी बुलाया पी एयू चो बुलाया होर खेती एक्सपर्ट जो लोग ने असी अपनी पंजाब की खेती नीति जी है वो रेडी है ऑलमोस्ट, पर असी पंजाब के स्टेक होल्डर्स ने गल करांगे जिन्हें भी कोई जूनियर ने जा खेती संबंधित संस्थावां ने जा खेती संबंधित जिहड़े महकमे च जा किते होर बुद्धिजीवी ने उन्हां सारयां नूं बुलावांगे, बुला के मैं इसे तरह असी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की सी, इसे तरह असी ट्रांसपोर्ट का भी सारयां नूं बुलाया सीगा, सो उन्हां नूं पुछांगे भी दसो किवें करना, क्योंकि देखो जिथे समस्या उत्थे हल है, हो सकता उस समस्या इतने बैठे बाबुओं नू ना पता लगती होवे जिहड़ी खेत नक्के ते बह के पता लगती है, सो इस करके उन्होंने बुलावांगे स्टेक होल्डर बुलावांगे, असीं किसान मिल नहीं कर लैंदे हुंदे, असीं एक हफ्ते की मोहलत देंदे आ, एक हफ्ते के नोटिस ते असीं स्पीकर साहब पी एयू च किसान मिल नहीं कर लैंदे कि जदों गल करनी है किसी किसानां नाल कोई राय लैनी है, 15,000 तो बाद किसान उत्थे आके अपने राय देने लग जाते, 15,000 तो बाद स्टॉल ला लैंदे, असीं सरों वाले इधर आ जाओ, मक्की वाले इधर आ जाओ, बासमती वाले इधर आ जाओ, अमरूदां वाले इधर आ जाओ, बागां वाले इधर आ जाओ, सो बड़ा वधिया दो बारी असी कीता, तीजी बार फिर कर लेंगे, क्योंकि जिहड़ी भी कोई नीति है मेरा पहले दिनों
मैं इस पक्ष रहा कि सरकारां नूं लोकां नूं पुछ के बनाउणे चाहीदे। बाबुआं नूं नहीं पता हो सकता सर वो चिट्टे टावल वालियां कुर्सियां ते बह के ए सी नहीं समझ सकते ग्राउंड रियलिटियां नूं, फर्क हुंदा लोग कुछ होर चाहुंदे हुंदे ने। तो आही मैं एग्जाम्पल दे देना मोदी सरकार की किहनूं पुछ के बना दे 3 करोड़ कित्थे कदों कदों कोई अंदोलन होया सी जी देश च कि यह कानून बनाओ नहीं तो बचते नहीं असी, बस वो बाबुआ ने मरवाते बहुत वधिया ने जी बहुत वधिया ने ऐ कह के करता उन्होंने पूछया नहीं जिन्हें भी असर पैना सी। मुड़ के साल तक चलो कट गई आपकी हैगी उन्होंने डिक्टेटरशिप की आदत, साल के बाद फिर झुकना पै गया ना जी कि मैं वापस लैंना। जे पहली 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 पुछ लेंदे जे पहली स्टेक होल्डर ने गल करते ये नौबत नहीं होनी सी, नाले हरसिमरत की कुर्सी बच जाती ना बेचारी होर बली लैली। सो इस करके कई कई बार सरकार पॉलिसियां बना दिंदियां ने पर जो धरती पर आउंदियां ने गल ही होर होंदी है। सो असीं इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाईए, फिर एक होर है जी वाह पिया जानी है जां राह पिया जानी है। कई बार पॉलिसी बन गई लागू की तो उस कुछ कमियां नजर आईया तो स्टेक होल्डर पूछा वो कहते जी आह कट दो, ठीक है जी आह कट देने तुहानू चंगा लगना चाहिए, रेवन्यू कोई कमी नहीं होनी चाहिए, रोजगार कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उन्हां दी प्रोडक्शन कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कट देने। सो जिवें कई बार कारां जिहड़ियां ने फोर्ड वर्गियां कंपनियां जिहड़ियां ने उन्होंने यह जी गलतियां हुई कि जो फोर्ड ने पहली कार बनाई सर तुहानू पता की गलती रह गई, पहली कार बनाई जो फोर्ड ने अमरीका की कंपनी बैक गेयर लाना भुल गई जी, जो पता लगे बैक भी आना होंगे ने फिर सारिया गड्डिया रिकॉल की जी फिर दोबारा बैक गेयर ला के है ना। वो कई बार यह जी इंजीनियर तो गलतियां हो जाए। सो असं चाहते नहीं कि बार बार असं एक होर कर लगे मैं एल ओ पी साहब भी इस गल की जानकारी दे देना तो वेद भी राय तो भी शमूलियत चाहेंगे कि असी एक इंडस्ट्रियल एडवाइजरी कमीशन बना रहे हैं जिद हर फील्ड बंदे चुने जिमें 25-25 असी सैक्टर जोड़े ने 25 या 26 वो आइडेंटिफाई किए हैं, टैक्सटाइल के रियल स्टेट के MSME के जेडे फार्मासीटिकल के इस तों अलावा चमड़े वाले के जिमें जलंधर चमड़े की फैक्ट्रिया ने इदा के 26 ने असी उन्होंने कहा तुम दो 11 बंदे कमीशन तुम बनाओ आपका टैक्सटाइल का 11 बंदे दो तो चेयरमैन दो कि कहा साडा चेयरमैन होगा तो असी उस चेयरमैन जो भी एडवाइजरी बोर्ड का कमीशन का चेयरमैन होगा असी उन्होंने कैबिनेट का रैंक भी देवे ताकि वो चले अफसर के गल चेंज करवानी है। तो नाल जे टैक्सटाइल की प्रॉब्लम है कल तो जरूरी नहीं कि उन्होंने इनवैसट पंजाब के किसी जहाँ इंडस्ट्रियल जो पंजाब सरकार के इंडस्ट्रियल जो सम्मेलन होंगे उन्हें जाके गल करनी पवे, वो कल भी आ सकते हैं, वो 2 बंदे भी भेज सकते टैक्सटाइल की आह प्रॉब्लम है जी तो इमीजिएटली हल करेंगे। इस तरह ही खेती का करेंगे जी, खेती बारे कोई माहरां दी जिहड़ी कमेटी उन्होंने तो लैके जिवें सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है सातों नाम मंगे से असी दिते चंगे अफसर के पुछ के कि कौन यह जहा हो सकता जिहड़ा जिन्हों खेती बारे वध तो वध टैक्निकल गल्लां पता होण तो PhD तो असी पुछ के असी नाम दिते, हरियाणा ने भी दिते अगर तो उन्होंने मंगे। सो मैं ये गल कहनी चाहना कि साडा जिहड़ा सरकार की जिहड़ी नीयत है वो चंगे नीतियां चंग लोगों को पुछ के लोगों को पुछ पुछ के बनाउण दा इरादा है जी। नंबर अगे चलदे हां जी, पंचायती राज, पंचायती राज सोध बिल भी आ रहा है तो पहले ही असी कैबिनेट के हो कर चुके हैं फैसला कि इलैक्शन जल्दी कराने पंचायतों दी ते नाल पिंड जिहड़े ने वो धड़िया तो बचे रहन, पिंडां च कोई धड़िया की धड़ेबंदी करके कोई 57-26 दे केस वो ना होण तां असी कीता कि पंचायत दीआं चोणां जिहड़ियां ने वो किसी भी पोलिटिकल लगदियां उन्होंने लोकल अपने सिंबल मिलणगे। इहदा कारण यह नहीं है कि असी किसी नूं कोई बार करना चाहुंदे आ ते पर इहदे नाल इह है कि सरपंच जिहड़ा वह पिंड का होगा, सरपंच किसी पार्टी का नहीं होगा, क्या पंजे वालियां दा आ झाड़ू वालियां दा आ हाथी वालियां दा ना, वैसे भी लोकल जिहड़ी आपदी पंचायती जिहड़ी चोण है वह धड़ियां तों उपर होनी चाहिए है। मैं एक होर गल दस दिंदा 2018 दे विच चोणां होईयां सीगियां पंचायती, एक भी बंदे ने किसी पार्टी का सिंबल नहीं लिया, ये भी मैं क्लीयर कर दिंदा, एक भी सरपंच ने किसी भी पार्टी के सिंबल से सरपंच या मैंबर नहीं लड़े। पर कानून यह कहता जे वो मंग ले कि मैं पंजा दिओ जी तो मना नहीं कर सकते, फिर उत्थे दिक्कत पैंदी है। बहुत सारे पिंडां ने मते पाए कि जे कोई सरपंच किसी पार्टी के सिंबल से लड़ूगा असं तो बाइकाट करांगे। सो ये गल नबेड़न वास्ते असं पहले कहता कि तुसीं लड़े अपने मंजे ते जग ते जां जिहड़े भी लोकल चोण निशान ने वो तुहानूं मिलणगे। ते हाँ एक होर मैं गल दस दिंदा, जे कोई इहो जिहा भी हैगा लॉयल है पार्टी का कि सरपंच बनना पर मैं दसना मैं किहदा अपने पोस्टर जिहनूं छापूगा, अजकल चोण निशान मिल गया उन्हूं मंजा तो पोस्टर मंजे वाले छापूगा तो उपरों अपने बड़े लीडर की फोटो ला सकता है कि ये पता लग जूगा कि वो कि पार्टी है, उन्होंने नुकसान होंगे वोटा चुनाव फायदा होंगे वो मर्जी है। सो पर उन्होंने है हाँ जी करा रहे बस हाईकोर्ट के मेरे IG साहब बैठे ने तो हाईकोर्ट बस ये हरियाणा की इलैक्शन जी कर रहे हैं, कारपोरेशन भी कहाँ जिला परिषद भी सारिया सारिया आनगियां। सो उदो चार अपन भी आने दूजिया है ना
उत्थे भी आऊंगे, उत्थे भी बाजवा साहब ने कहना है इहदी मंजी चाह के हुण सताओ छड गए होणगे, हजे उह वी पईआं पईआं बड़े मौके मिलणगे, पर मंजी उत्थे दी उत्थे है। सो मैं इह कहना चाहुंदा कि सरपंची जिहड़ी है उह लोकल है, सरपंची पिंड दी है, हर रोज़ मूँह मत्थे लगदे इक दूजे दे, आपां क्यों 40-40 लाख रुपया खर्च होण लग गया जी सरपंची दीआं वोटां ते, सरपंची दीआं वोटां 40-40 लाख, 40 लाख ला के कढूगा कित्थों सरपंच उह, ये तो हो नहीं सकता कि उन्होंने कोई करप्शन का मौका मिले जाए होर। सो असी तो यह चाहते हैं एक होर असी मैं अनाउंस करना चाहता अच्छ मुकदस हाउस के जेडे पिंड सर्वसम्मति कर लेंगे, जेडे पिंड पूरी पंचायत की सर्वसम्मति कर लेंगे 5 लख रुपया इनाम वजो कैश जिन्हों के पंचायत जिते मर्जी वरते, बाकी उस पिंड स्टेडियम जो स्कूल चाहते स्कूल हस्पताल चाहते हस्पताल वो मिलेगा प्रायोरिटी से, इस गल का प्रतीक करके कि इस पिंड एक है तो इस पिंड फुट नहीं हैगी, तो इस पिंड ने उ कोई हम 40 एक बंदा लाऊंगा 30 दूजा लाऊगा, ठीक है 20 एक होर लाऊ जा लाने पे, वो तो पिंड कह देने जी उन्हें तो शुरू करती, तुम क्यों नहीं करते, लै आ तो अपनी डेमोक्रेसी है भी भाई उन्होंने तो शुरू करती रात, तो तुम क्यों नहीं करते, फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने करनी पैंती है, फिर क्वालिटी तो आता महाराज हूँ देसी ना कितने चलता जी है। सो ये तो मतलब असी इस लेवल से जाने नहीं चा देना चाहते, मैंबर सरपंच आपदे चुनो, चंगे बंद चुनो, पंचायत जो नींह ने नींह ने डेमोक्रेसी की, जो पंचायत चंकी है तो पिंड तरक्की कर जाता, एक हंस से हंसनी कितने दूर उड़ारी मार चले सके रस्ते च रात पै गई तो हंस ने कहा इस बोर्ड से रात कट लें, उस बोर्ड से बह गए बड़ा आले दुआले सुन सरां उजाड़ बोर्ड, वो कहती हंसनी कहती हंस जी इस इलाके इन्ना उजाड़ क्यों है, वो हंस कहता इतने उल्लूआं का वासा होना, उल्लू रेंदे होने इतने उल्लूआ करके आजाड़ है, उल्लू जाड़ पाल दे कुदरती थले वाली टाणी से उल्लू बैठा सी, उन्हें सुन लिया कहते मेरे विरुद्ध बोली जाता यार, तो कहना उल्लूआ करके होंगे जे तो हाँ उल्लू जिते उल्लू वसते हैं उजाड़ है, उत्थे सवेर में जो उड्डन लगे उल्लू ने रोक लिया कहना एक मिनट इतने आओ, कहते मेरी घरवाली कितने लैके चले हैं, वो कहना की मतलब कह जी तेरे नाल मेरी घरवाली है, वो कहना मैं हंसा है हंसनी है तू उल्लू है ना मेरी घरवाली है, वो कहना साबित कर, कहता पंचायत बुला लें, पंचायत बुला ली जी घोगड़ सरपंच सी जी तो लूंबड़ी होरी मैंबर सी जी तो होरी भी है जी बिची, तो रौला पै गया भी दसो ये वो कहना मेरी घरवाली है जी देखो साडा रंग साडे खंभ इको जे ने इहदी घरवाली किवें हो गई है, वो कहता भी गल तो तेरी सही है तो इस हंस की घरवाली है, इन्हें नूं कां ने मारता कन्न च फूक, वो कहना महाराज जी हैगी तो उसे दी है पर तुसीं ये देखो भी किन्नी सोहनी है ये अपने हल्के च इलाके च आई हुई है रोज़ इत्थे उड्डिया करूगी आपां देखिया करांगे, इन्हें हुण लै के भज जाणा उद्दू मुड़ के अपने कोल की रह जाणा आही रह जाएंगे, कहिंदा कि इहनूं उल्लू दी डिक्लेयर कर दो, वो कहिंदा ठीक है जी ये तो उल्लू की घरवाली है, चलो जी फैसला हो गया उल्लू की घरवाली, हंस नूं बड़ा दुख लग्या हंस उड्डण लग्या तो उन्होंने उल्लू कहिंदा आ जा इस तरह लै जा अपनी घरवाली नूं, वो कहिंदा यार कमाल है 2 घंटे तां डिबेट च लंघ गए अपने, वो कही गया मेरी घरवाली है हूँ कहना तू लै जा अपनी घर में, कहना मैं कोई इदा की कोई तेन बेती नहीं करनी कुछ नहीं, रात मैं सुनया तेरा कहना जो तू बोर्ड पर बैठा बोली जाता भी उल्लूआ करके उजाड़ हूँ, कहना मैं तुम्हें दसना से उजाड़ उल्लूआ करके हूँ जिते यह पंचायत होते उजाड़ हूँ, सो यह पंचायत चुने ना जिते उजाड़ पै जाए जी उजाड़ पाँदी हो गलत फैसले कर दया हो, सो मैं यही कहना कि जोड़ा साडा पंजाब है खास तौर पर पंचायती सरपंच साहब मतलब बड़े माण लिया जाता नाम, और एक बार सरपंच साहब अल पै जाए सारी उम्र कई पीढ़ियों तक सरपंचा का घर सरपंचा का घर मैंबर मैंबर होना भी बड़ी वड्डी प्राप्ति कि मैं मैंबर रहा पंचायत का एड्डी वड्डी एक पंचायत की उस वेले मतलब पावर होंगी सी क्योंकि पंचायत तो बाहर जाते नहीं फैसले पंचायत हूँ तो सस नूं हाने झगड़े भी सुप्रीम कोर्ट च फिरदे कोई कोई रोकने वाली है नहीं ना किसी की मन्ने कोई 4 मैंबर उधर हो जाते हैं 4 उधर हो जाते हैं चलो जी जिहड़े फैसले पहले पंचायत होंदे सी सुप्रीम कोर्ट च फिरदे ने सो असीं चाहुंदे हां पंचायती सिस्टम नूं जिहड़ा ओह तगड़ा करिए तां होऊगा सर जे वधिया बंदे चुण के लोगों की मनपसंद बंदे चुण के जिहड़े ने ओह आउणगे और पंचायत सिस्टम के बाकी एक जी कल भी गल उठी है एल ओ पी साहब ने कहा 63/15 जी सा जी उन्हें कहते एफ आई आर है जी जी बेअदबी की बिल्कुल गवर्नमेंट ने बहुत सारे नवे क्लू मिले ऐड करके बिल्कुल पक्के जिमें पंजाबी कहने बिल्कुल किल लैन चंगी तरह ठोक के साडे वालों वो जी ए जी साहब बैठे ने साडे वालों वो जी एफ आई आर है वो बिल्कुल रेडी है असी कानूनी माहरां नाल सलाह करके आने वाले चंद दिनों के असी बहुत वधिया तरीके तत्पड़त कर दिए तो वो ख्वाहिश हो जाऊगी उत्थों कोई फायदा नहीं फिर असी जो सानूं नवां मिले वो भी पा के आने वाले चंद दिनों के असी उत्थे पेश कर देंगे साडी गरंटी भी सी साडा वादा भी सी और साडा फर्ज भी बनता है कि साडे गुरु साहब की बेअदबी का जे कोई दोषी है तो वो विरुद्ध जी एफ आई आर पहला कोटपुरे वाली की है ठीक है जी बाइबल कलां वाली भी सिट जी है मीटिंगा कंटिन्यू कीतियां ने नवीं कीतियां ने सो कुछ नवे क्लू भी मिले हैं कुछ नवी डिवेलपमेंट हुई ने तुम देखे होना मैं आप दिलों चाहना सच्चे दिलों चाहना कि सानू साडे बाप कहने साडा पिता
सानू साडे पिता जी की जिहड़ी साडे बापू जी की गुरु ग्रंथ साहब जी की जिहड़ी बेअदबी हुई है वो जे साडे पंजाब च नहीं इंसाफ मिलेगा बाहरों की आपां उम्मीद करांगे फिर। सो वो जरूर जिथों तक हो सकता होया असी चाहे वकील जिन्ने मर्जी महंगे करने पैण जिथों मर्जी लियाने पैण असी केस लड़ांगे, असी पहला वांगू ढिल नहीं छड्डांगे। पहला उन्होंने बहुत ढिल्ला छड्डियां होईयां ने, दुख नाल कहना पै रहा है, तुहानू वी इस गल दा पता है, तुसीं सारे जाणदे हो, पर उस चीज़ ने फिर तुम देख लो हालात की बनाते उन्होंने, देखो ये मतलब दर दर भड़कते फिरते हैं, 25 साल राज करांगे कहने को 25 बंदे नहीं है, हूँ 5 मैंबरी कमेटी बनाती कहते सुखबीर बादल ने पता नहीं कहा कि मुद्दे वास्ते, मैं जी 11 मैंबरी बनाने का जोर पै गया, 6 बंदे लो कितों है, ठीक है ना। सो इन्ने का ही नहीं होना, 5 मैंबरी तो जरूर, तो 2-2.5 मैंबर से भी आ जाऊगा आ सकता काम। सो इस करके पब्लिक है जी, पब्लिक है, सब जानती है कि मैं सारे का, मैं जो कल भी 0 बोले से अज भी 0 बोले ने, ये उन्हें जो मैं सारे का बोल रहे हैं। देखो जी महायोग लीडर ऑफ द हाउस किसी भी समय पंचायती राज का भी बिल आऊगा, देखो पंचायती का बिल आऊगा, कल 0 च बोलिया गया, हालांकि जे मैं जवाब ना भी देवा तो सर सद पर मेरा फर्ज बनता है कि इस हाउस में दसा। सीएम साहब मैं एक क्लैरिफिकेशन देता, लीडर ऑफ द हाउस किसी भी समय किसी भी मुद्दे से जिन्ना मर्जी समा चाहो लैके बोल सकते हैं जी। प्लीज कंटिन्यू, एक मिनट जी और कंटिन्यू करना, फिर आप उस बाद बोलो, इधर कंटिन्यू मैं एक बार फिनिश कर, ठीक है ना। सो प्रगट जी तो पता जे हूँ जाते जाते हॉकी के मूव च एक बेचारे स्टिक जी डाल दी जाए दोबारे फिर दोबारे मूव बनते टाइम लग जाता जी, फिर ना थोड़ा थोड़ा देख के ना तुम तो पता हूँ जो थोड़ी टंग च कोई हॉकी डाल दे चंगा भला गोल हों बच जाता जी, बाद च मिली जाए स्ट्रोक मिले पेनल्टी कॉर्नर मिले वो बाद गल आती। सो सो इस तरह के माहौल से गल होंगी रहे तो बड़ा वधिया लगता है ना, एवं होर तरह के चक्कर च पे की लै जाना इतों है जी, इतने बड़े बड़े आए तुर के खाली हाथ। सो अपना इन्ना क्या पब्लिक अपन देख रही है, तुम जिड़ी मर्जी सीट पर बैठो, असं इधरली पास से पहला कोई ऐसी गल नहीं, इधर उधर चलता रहता, यही खूबसूरती है लोकतंत्र की, तो फर्ज भी है जो मामले उठाने और जवाब मंगना, तो लोकतंत्र की खूबी है चंगा वधिया। हालांकि जे उत्थे इकट्ठे लड़ते रहे हैं पार्लीमेंट च मौका नहीं मिलता से इन्ना, विपक्ष में अज नहीं मिलता, हूँ चलो विपक्ष स्ट्रोंग हो गया हूँ देने लगे टाइम, पहले तो सब कहते नो 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 हो गया हो गया हो गया, हाँ वाले हाँ कहें ना वाले ना कहें, चलो 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 इदा वो बिल पास करते रहने, ठीक है ना। कभी तक कोई असं कहें जी कोई डिवीजन करा लो वोटा पवा लो, भाजपा साहब तो कुर्सी से चढ़ गए थे स्पीकर की कुर्सी से, अज भी थोड़े मिलने मिल रखे उन्होंने, अभी भी कहते ठीक फोटो चाहिए तुम थोड़ा जहा, क्योंकि स्पीकर की कुर्सी से राजसभा की कुर्सी से चढ़े हुए हैं, सो इन्हों आ चढ़ना कुर्सियां, तो इस करके पर बशर्ते क्यों खाली हो। सो इस करके मैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, और जितों तक कोई भी किसी किस्म का गवर्नमेंट में कोई सवाल है जो गवर्नमेंट ने मिलकर कोई किसी ने मुख्यमंत्री दफ्तर जा जाओ, साढ़े मिनिस्टर जोड़े ने वो अवेलेबल ने हर वक्त, कोई पर्सनल कोई कोई लैके आना कोई काम कार आओ, असं कोई इस तरह की दरियात नहीं करते कि इतने वोटा नहीं पाइं इन्हों पुड़ियों पट दो इस गली चो, असं कहने वोटा डेमोक्रेसी का हिस्सा, लोग जो मर्जी जिन्होंने मर्जी वोटा पा सकते हैं, पर जो बन गए वो तुम सारे दे, स्पीकर साहब तुम एम एल ए हो कोटकपूरा तो आम आदमी पार्टी वालों, पर जो तुम्हें स्पीकर का अहदा मिल गया तो 117 के जे 116 के कंस्टोड कस्टोडियन हो, तो थोड़ा फर्ज सारे के हक प्रोटेक्ट 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 करना। सो मैं मेरा भी फर्ज बनता कि मैं बतौर मुख्यमंत्री मेरा फर्ज बनता कि मैं कोई ऐसा इलाका ना छड़ा कि मैं इतों जितया नहीं है, तो इस इलाके में फिर कोई मैं उस लोग के लोगों का कोई कसूर नहीं है, वो वोटा मिले हो साडा ही कसूर रहा होगा, कोई साडे उम्मीदवार की कमी रही होगी पार्टी की कमी रही होगी कि असं नहीं उतो जित सके, पर लोगों में कोई कसूर नहीं, लोगों को बराबर जिन्ना जिन्ना फतेहगढ़ चूड़िया मिलेगा जिन्ना डेरा बाबा नानक मिलेगा जिन्ना दाखे मिलेगा उन्होंने सारे बाकियों भी मिलेगा, तो इस करके कदम किसम इस किस्म का ना रखियो, क्योंकि मैं इस मामले कदे कोई खुंदकबाजी जहाँ मैं परसनल नहीं रखता, तो मैं बहुत चंगा लग रहा कि तुम अज बड़े शांति नाल और बड़े अच्छे माहौल से सुन रहे हो, बहुत सारे लोग बैठे हैं जिहड़े अलग अलग फील्डां तो अलग अलग समाजिक समाज के फील्ड चो आए बैठे है, बच्चे बैठे है स्कूलों के बच्चे बैठे है, इन्होंने फ्यूचर से इन्होंने भी इतने आना है, इन्हों बहुत सारे ने इतने आना है, सो इन्हों भी आप एक ऐसा एक माहौल देिए कि यार नहीं लड़ाई वाला घर नहीं है, इतने डिस्कस भी होंगे, इतने साडे सिलेबस दी गल्लां भी होंदियां, इतने सानू पढ़ाउंदियां जां साडे अगे साडी पढ़ाई दे बदले सानू नौकरियां मिलदियां, बिल भी आउंदे ते सानू नौकरियां दे मौके पैदा होण दे भी आउंदे। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि पंजाब सरकार वल्लों कदे भी किसी किस्म दा जिन्ने भी बिल आए ने उन्हां ते डिबेट प्रॉपर होगी, तुसीं चाहुंदे हो तुसीं डिबेट करो, और मैं क्योंकि खुद पीड़ित हाँ इस गलते कि असं इस तरह के बिल भी सातों पास करा ले उन्होंने दिल्ली कि सानू बोलने नहीं मौका दिता, बस नहीं 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 होर नहीं बोलना बस हूँ तो हो गया हो गया बस, इदा तो अद्धे घंटे च बिल पास करा के बड़े बड़े एडे एडे उही बिल जिहड़े ने बाद दे विच कितने खतरनाक साबित होए ने देश लई। सो इस करके बीजेपी तो मतलब आने हट गई है ना, वो तो कल पहले भी नहीं आया मिलता वो है ना, वो तो चलो छड्ड गए चलो फिर है भी नहीं कुछ उन्होंने आना भी कहते वास्ते इतने, सो हूँ पर वो कला इतों नहीं वो सारे पास भज रहे हूँ, इकलिया तरीकों बदला के नहीं चलना काम, एक की बजाय पांच पै जाएगी पैनगी तो फिर जिते लोगों ने सोचा है उत्थे ही पैनगियाँ। सो इस करके चार सुने कि काफ़ी हालत माड़ी है, कहें भी रहे हैं
मैं तो उत्थे कहिंदा रहा, मैं तो पार्लीमेंट च कहता सीगा, मैं पार्लीमेंट च कहता सी हर गल झूठ, हर गल जुमला, हर गल गल ही कोई होर निकलती है। पार्लीमेंट च मैं कहता सी, मोदी जी बैठे सी, मैं कहा 15 लाख की रकम लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूँ तो स्याही सूख जाती है। मोदी जी हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है, तो मतलब सानू तो हुण ये भी शक ही है भी चाय नहीं बनानी आती होनी, वो भी झूठ ही होना। तो इस करके इन्ना ना मैं यार सच जो झूठ बोलो देश नाल, कि कदे ना कदे फड़े ही जाता, एक दिन दो दिन काट दी हांडी किन्ने चिर चढ़दी है। सो सच दे आधार ते लोगों नाल वादे करके आए हैं, गरंटियां दे के आए हैं, और शहीद आजम भगत सिंह के पिंड जाके खड़ खड़ गल सौं खाधी है, अज भी उन्होंने गवाह पाया होया, जदों भी कोई फाइल वक्त साइन करते हैं यही सोचते हैं परमात्मा कोई चंगी फाइल से साइन करा ली, किसी के घर का जरा वो दीवा रोजगार वाला तरक्की वाला जगह कोई ऐसी फाइल ना सैन करा ली कि किसी को कोई नुकसान हो। सो जो भी साढ़े कोई आऊगा, साढ़े कोई फैसला करने वास्ते कोई फाइल आऊगी जो लोगों के हक च हुई उस सैन किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब, बहुत थैंक यू। जो 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 फायर सेफ्टी का बिल है वो भी मैं कहना चाहना कि मैं ये हक चा तो इनू लगभग सर्वसम्मति ने पास कर लिया। थैंक यू जी, थैंक यू। बाजवा जी, सी एम साहब तुम पंचायत इलेक्शन की गल की, बहुत वधिया गल आ, जो बिल्कुल कहे रहा पेपर रिजेक्ट नहीं होगा, बल्कि होर दो भरावे कि नाल एक अद्धा होर दे दो, साडे कोई कमी ना हो रहे जे। सो तुसी बिल्कुल सही है, साउंड देने नूं सारा कुछ हरा हरा दिसदा हुंदा, ठीक है ना, तो थोड़ा लगता भी पेपर रिजेक्ट होणगे, हुंदे नहीं, पहले हुंदे रहे। थैंक यू।